चलिए आज आप लोग को दिखाएंगे राजस्थान में टॉप डिज़र्ट कैंप कहाँ पे है, तो हम लोग जहाँ पे लिए थे वही दिखाएंगे। तो चलिए देखते रहिए, बहुत ही अच्छा है। हेलो स्टोन डिज़र्ट कैंप में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दिन 4 बजे आपका जीप सफारी, कैमल सफारी ट्रेडिशनल वेलकम रहेगा। कल्चर प्रोग्राम 7 बजे चालू होगा। कल्चर प्रोग्राम राजस्थानी कालबेलिया घूमर गोरबंद 7 बजे से 9 बजे तक कल्चर प्रोग्राम चलेगा। 9 से 10 बजे तक ग्रुप डांस चलेगा। 7 बजे आपको कल्चर प्रोग्राम चालू होगा, इवनिंग टी स्नैक्स मिलेगा। 9 बजे डिनर भी लगेगा, 9 से 10:30 बजे तक डिनर चलेगा। डिनर में चपाती चावल दाल मिक्स वेज बेसन गट्टा दाल बाटी चूरमा पनीर सलाद ये रहेगा। 10:30 बजे डाइनिंग क्लोज हो जाएगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका 8 बजे लगेगा। ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी पोहा चाय कॉफ़ी रहेगा। 10 बजे चेकआउट टाइम रहेगा। आपको यहाँ पर घूम के कैसा लगा? ये होटल में आके ऐसे सब इनका बिहेवियर अच्छा है, तो बहुत अच्छा। अब इधर जो आप लोग मन से एकदम जितना टाइम फुल एंजॉय किया यहाँ। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए अब ले चलते हैं डिजर्ट कैंप के तरफ। ये देखिए, ये है सारा कैंप, बहुत अच्छा टेंट में क्या हुआ है। चलिए अंदर ले जाएंगे, इतना खूबसूरत जगह है, क्या बोले, कम बजट में बहुत ही बढ़िया है। वेस्ट बंगाल से कोई भी आना चाहे तो कोई भी कांटेक्ट करे, हम कांटेक्ट नंबर ये सब सारा कुछ डिटेल्स में दे देंगे। तो चलिए अंदर जाते हैं। ये देखिए, ये हम लोग ये कैंप लिए है तो अंदर दिखाएँगे सारा सब कुछ। इन लोग का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए रूम के अंदर जाते हैं। ये देखिए रूम, इतना बढ़िया रूम है, मतलब क्या बोले आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग तो यहाँ पे रहते एक दिन, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, ये है बाथरूम, टॉयलेट बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा, आप लोग कोई भी रह सकते हैं। चलिए बाहर जाते हैं, बाहर दिखाते हैं बहुत कुछ। यहाँ पे बोला था शाम को जलसा होगा, प्रोग्राम होता है, नाश्ता आता है। तो चलिए देखिए, इवनिंग स्नैक्स भी आ गया है, पकोड़ा और कॉफ़ी आया था। और यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो डेली होता है, डेली 7 से 10 बजे तक पूरा डांस होता है, पार्टी वार्टी सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गद्दा वद्दा सब कुछ है, ठंड भी नहीं लगेगा, ठंड के टाइम पे हम लोग गए थे इसलिए सब कुछ रेडी है। तो यहाँ पे जलसा देखिए, बैठ बैठ के आप सब कुछ कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के, प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ डांस वांस सब होगा। यहाँ पे लड़की लोग आएगी पूरा अच्छी तरह से राजस्थानी ड्रेस पहन के, बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए देखते रहते हैं। भाई साहब प्लीज आपका नाम जाना सर। प्रतीक 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 हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। अच्छा अच्छा, पति अंकिता। प्रतीक जी बागों में रहते हैं और फूलों में सोते हैं। अगर याद आती है भाभी जी की तो प्रतीक जी सपनों में भी रोते हैं। भाई बहुत बढ़िया है, हमारे बहुत अच्छा है। लास्ट गाना लग रहा है कि नहीं? लग रहा है गाना। बस बस भाई को एक रिक्वेस्ट किया कि लास्ट गाना लगा दो, वो भी भाई लगा दी, और क्या चाहिए रात का टाइम में, यही बहुत है हमारे लिए। बिल्कुल डाला हुआ भाई का हमने वीडियो बना लिया है यूट्यूब में, सियोर चल जाएगा। देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद हम लोग डिनर करने आ गए, डिनर में बहुत ही अच्छा अच्छा था। हम लोग को खाना था दाल बाटी चूरमा, बट हम लोग बहुत लेट कर दिए थे इसलिए नहीं मिला। सफारी डेजर्ट के अंदर घुमा के आएगा वो उसको। हाँ, पूरा था डेजर्ट, रॉयल और मुगल तीनों डेजर्ट के पूरा सफारी करवा के आएंगे। ठीक है, चलिए बैठो।
तो देखिए अब हम लोग को थार डेजर्ट घुमाने लेके जा रहा है नाइट में। वहाँ पे बोला कि बॉनफायर कराएगा, बहुत कुछ, बहुत मज़ा आया था ये रात को। मतलब सुबह में तो देख सकते हैं रेगिस्तान, लेकिन रात का देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये देखिए बॉनफायर हम लोग शुरू कर दिए, कितना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। उसके बाद हम लोग रात को आ गए, वहाँ पर सो गए, उसके बाद सुबह का दिखाएँगे। इतना सब कुछ घुमाया, डेजर्ट दिखाया, बहुत सारा यहाँ पर सब कुछ एक ही बजट में था। बहुत कम बजट में ये सब कुछ कराएगा आप लोग को, तो चलिए देखते रहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। कॉफ़ी तो रूम में दे दिया था, कोई भी कॉफ़ी का ले सकता है या तो चाय, दोनों अलाउ था। और अभी हम लोग नाश्ता करने आ गए थे, तो हम सोचे कि रूम पे ले चल जाएंगे। तो दिखाते आपके क्या था, यहाँ पे था पूरी, यहाँ पे था पोहा, सब्जी, ये बहुत अच्छा अच्छा था। तो चलिए सब कुछ आपको दिखा देते। ये देखिए सब्जी पूरा गरम गरम था, ठंडा के टाइम पे गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम रूम पे लेके आ गए हैं पूरी सब्जी पोहा, बहुत अच्छी तरह से मज़े से खाए। उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने डेजर्ट। तो चलिए ये देखिए हम लोग का जीप सफारी भी आ गया है, अब हम लोग जाएंगे घूमने। तो चलिए ये देखिए फाइनली हम लोग डेजर्ट के तरफ निकल चुके हैं, अभी हम लोग रास्ते पे है, तो हम लोग जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे सब कुछ पैकेजिंग में था होटल का, ऊंट सफारी, उसके बाद बहुत और बड़ा डेजर्ट, उसके बाद जीप सफारी, सब कुछ करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। आप लोग देखते रहिए। तो आप लोग कभी भी, जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, कहीं भी अगर राजस्थान आए तो हम ये नंबर दे देंगे, यहाँ पर ज़रूर आइएगा ये होटल पे, ये डेजर्ट कैंप पे। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत कम में हम लोग का बहुत कुछ कराया, बहुत कम में कराया और बहुत ही अच्छा। ये देखिए हम लोग फाइनली आ गए, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रहा है। हम लोग तो पैराग्लाइडिंग किए नहीं, क्योंकि ये हम लोग का बजट में, मतलब पैकेजिंग में नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं किए, हम लोग ऊँट सफारी किए। तो ये देखिए हम लोग का ऊँट भी आ गया है, हम लोग ऊँट सफारी करेंगे, ऊँट पे पूरा घुमाएगा। वहाँ पे बोला था 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ऐसा कुछ था, तो उतना दूर तक पूरा घुमाया हम लोग को, हम लोग बहुत मज़ा लिए। उसके बाद हम लोग को और दूसरा डेजर्ट पे ले जाएगा, वहाँ पे पूरा जीप सफारी कराएगा, ऊँचा ऊँचा पूरा बालू का ऊँचा, वहाँ से पूरा गिराएगा जीप को। हम लोग तो पूरा हिल चुके थे, इतना मज़ा आया था, जो सब कुछ टी वी में देखते थे वो आज हम लोग के सामने था, इतना अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा ये होटल का बहुत बढ़िया नेचर है, इतना कम में बहुत कोई नहीं करेगा, इतना कम में बहुत मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए हम लोग का जीप सफारी भी सब कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जा रहे दूसरे सफारी करने। तो उसके बाद चल जाएंगे फिर से होटल, वहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए हम लोग अभी जा रहे। आप लोग को होटल अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, नंबर दे देंगे, आए तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा।